हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हमारे गवर्नमेंट ग्राम भारती हरदी बाजार कॉलेज में मेडिकल कैंप लगाया गया और जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड छात्र छात्राएं हैं उनका आज इलाज किया जाएगा। यहाँ उद्घाटन के लिए सरस्वती माता के ऊपर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। डॉक्टर नीलम सिंह जी, उपस्थित महाविद्यालय के हमारे प्राध्यापक साथीगण और राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड क्रॉस के वॉलेंटियर्स, मैं सभी का इस मेडिकल कैंप में आयोजित किए थे श्री गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित हमारे वॉलेंटियर्स सबका मैं इस मेडिकल कैंप में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से हमारे गुप्ता जी का मैं सहयोग विशेष रूप से रेखांकित करता हूँ। इनका प्रयास था कि हमारे और इनके तत्वाधान में मिल करके एक मेडिकल कैंप आयोजित किया जाए और ये लगभग 1.5 महीने से लगभग प्रक्रिया चल रही है। कभी उसे अनुरोध करूँगा कि माँ सरस्वती के तय चित्र पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारम्भ। राठौर के स्वागत के लिए डॉक्टर महेश वर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहू जी का स्वागत और बैच लगा करके हमारे जो आज के जितने भी डॉक्टर आए हैं वो सारे बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं इस ग्राहक चिकित्सा शिविर के दौरान आप लोग अभी अपना प्रॉब्लम बताएंगे जाकर के, दो नंबर में हमारे डॉक्टर साहब एमडी जो हैं साहू जी और वासु राठौर साहब बैठेंगे दो नंबर कमरे में, स्टाफ रूम जो हमारा है, ठीक, वहां जाकर के आप दांत से संबंधित प्रॉब्लम और अपनी अन्य कोई भी प्रॉब्लम वहां दिखा सकते हैं। छात्राओं के लिए यदि उनको स्त्री रोग से संबंधित, गायनकोलॉजी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो 4 नंबर कमरे में जो हमारा एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम है वहां डॉक्टर नीलम सिंह जी बैठेंगी और वहां जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और आपकी अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो आपको एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा, बाद में भी आप डॉक्टर साहब लोगों से मिल करके दिखा सकते हैं, वो भी निशुल्क, कोई पैसा दिखाने का नहीं लगेगा। कुछ सर अमित गुप्ता जी, मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े हो। अपने यहाँ हरदी बाजार में श्री राम मेडिकल स्टोर का नाम आपने सुना होगा, तो उसके संचालक हैं और डॉक्टर साहब जितने भी हैं उनके यहाँ आकर के हर महीने की एक निश्चित तारीख रहती है हफ्ते की, उस पर उपस्थित होते हैं। आप वहाँ पता कर सकते हैं डॉक्टर साहब लोग कब मिले। पहले
मैडम से अनुरोध करूंगा डॉक्टर नीलम सिंह जी से कि वे हमारे छात्र छात्राओं को संबोधित करें। कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ तो आप लोग तो मेरे फ्रेंड हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? देखिए, अभी मैं जब कॉलेज यहाँ करी थी तब वो काफी समय पहले 1989 में, तो उस समय तो आप लोग कोई पैदा नहीं। फिर भी कॉलेज के नाते आप लोग मेरे फ्रेंड होते हैं। और फ्रेंडली मैं आपको बताऊं कि आप लोग अपने जीवन के बहुत ही निर्णायक समय में हैं। इस समय जो आप डिसीजन लेंगे वो आपका आने वाला 60 साल तय करेगा कि आप कैसा जीवन जिएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके जीवन की दिशा तय करेगा कि आने वाले 60 साल में आप एक अच्छा जीवन जिएंगे कि एक बुरा और तकलीफ दे जीवन जिएंगे। दोनों स्थिति में, शैक्षणिक स्थिति में भी, अगर आप शिक्षा को महत्व देंगे तो आप हो सकता है किसी अच्छे पोस्ट पे हो जहाँ आप आत्मनिर्भर हो, जहाँ आपके जीवन में सारी सुविधाएं सारी खुशियां हो, और शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, शारीरिक रूप से। महिलाओं की और लड़कियों की बहुत जल्दी आदत होती है अपने प्रॉब्लम को छुपाते रहते, जबकि आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों का शरीर थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा कठिन है ना। भगवान ने हमें उसी तरीके से बनाया है, भगवान ने हमें जीवन को चलाने का एक प्रतिरूप, हमें प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो थोड़ा कठिन है। आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा अपने शरीर के लिए, हमेशा 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 जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने एक प्रॉब्लम है। हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो जीवन को सृजन करने का एक तरीका है जिसे आप फेस करती हैं। उसको हमेशा काउंट करिए, उसको समझिए कि आपका टाइम टू टाइम है और एक्यूरेट है, या कुछ भी जो भी होता है उसको आप काउंट करिए। इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी, मतलब उससे आपका एक अनुशासन बढ़ेगा, ठीक है, आप उससे अनुशासित होंगे। और दूसरी बात यह है कि शरीर में कोई भी परिवर्तन, एबनॉर्मल परिवर्तन, आप अपने डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर नहीं है तो आपके घर में एक बहुत बड़ी डॉक्टर है जो आपकी माँ है, आप उनको बताइए। माँ नहीं है तो आप किसी अपने बड़े फ्रेंड जो नॉलेज रखती हैं उनको बताइए, लेकिन बताइए जरूर, छुपाइए नहीं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ बुद्धि वास करती है। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब भी ताली बजाने का मौका मिले, जैसे अभी आप लोग शांत हैं, जब भी ताली बजाने का मौका मिले तो बहुत तेजी से बजाइए। हमारे आयुर्वेद के एमडी सर बैठे हैं, ताली जो होता है वो 32 प्रकार की बीमारियों को दूर रखता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहूंगी जो मेरे अंदर बहुत देर से कुलबुला रहा है। बहुत देर से भी मैंने अमित को बोला भी था कि आप पता करना कि 89 बैच के कोई सर है क्या यहाँ पर। जब मैं पढ़ती थी यहाँ पर, उस समय हमारे कॉलेज में उतना कुछ व्यवस्था नहीं था, महिलाओं के प्रति उस समय सोच नहीं थी। आज तो सुलभ वगैरह आज तो हर जगह सरकार कर रही है, उस समय सुलभ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। इस कॉलेज में भी कोई व्यवस्था नहीं थी और हम लोग गार्डन के पीछे जाते थे वॉशरूम के लिए। तो अभी एक बुढ़िया यहाँ बैठी है जिसकी शादी हो रही है, मेरी भी शादी हो गई थी उस समय तक, 88 में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने बीएससी किया था। तो हम आए यहाँ पर तो दीवार पे बहुत गंदे गंदे से स्लोगन लिखे हुए थे। आप, मैं इस चीज को इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप महिला हैं और महिला को अपने हक के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैं तुरंत आई केलकर सर, क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, जैसे हमारे सर है इंग्लिश में मास्टर आती थी है, मैंने उन्हें हिंदी में एक पत्र लिखा, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं था, हिंदी में पत्र लिखा कि महिलाओं के लिए सख्त आवश्यक है और आप विश्वास करेंगे और मैं आपकी बहुत जबरदस्त ताली चाहूंगी। एक दिन में हमारा एक कॉमन रूम लड़कियों के लिए बना था, बोलने की हिम्मत रखिए, ये मत सोचिए कौन क्या बोलेगा। वो चार लोग कभी दुनिया में नहीं आते हमारे अगल बगल जिसका सोच के हम डरते हैं। बोलने में मुखर होइए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं सामने वाला समझेगा नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे छात्राओं की मन की बात एकदम कही और
लगता ही नहीं है कि आपसे मतलब कोई दूरी रही है या बहुत दिन के बाद यहाँ आई है, ऐसा लगा कि कोई घर ही आया है। और ये फीलिंग हमारे बच्चे बच्चियों को मिल रही है। निश्चित रूप से आपके कथन से हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे और अपनी समस्याएं हर स्तर पर मेरे रेखांकित करेंगे और करते भी हैं। और इनके जो भी हमारे सुझाव आते हैं, लगभग लगभग दो चार दिन में दो चार सुझाव आते ही हैं, तो उसको हम त्वरित रूप से लागू करते हैं। उस समय ऑर्गेनाइज होना चाहिए करके। एक बार सर के लिए पूरी फैकल्टीज के लिए जोर देता हूं। मेडिकल जांच शिविर में हमारे कॉलेज के डॉक्टर महेश वर्मा सर, जो कि HOD ऑफ मैथ्स हैं, वो भी अपना चेकअप करा रहे हैं। हमारे हिंदी विभाग के डॉक्टर IK कौशिक सर, आज हमारे गवर्नमेंट ग्राम भारती हरदी बाजार कॉलेज में बहुत ही सफलतापूर्वक जो जांच शिविर है, मेडिकल जांच शिविर, वो संपन्न हो रही है। तो मैंने भी अपने डेंटल चेकअप करा लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। अगर जितने भी आप लोग अगर आना चाहते हैं तो सर पे कहाँ है बस? आरोग्य डेंटल क्लिनिक केवरा बस्ती में आप लोग जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।